फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है उत्कर्ष और आप देख रहे हैं अपेक्स उत्कर्ष यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में लोग बात करने वाले हैं 4440 डबल आईसी एम्पलीफायर का। ये एम्पलीफायर का ऊपर का बॉक्स है, ऊपर का साइड फ्रेंड्स, और ये हमारा एम्पलीफायर है 4440 फ्रेंड्स। इसका साउंड क्वालिटी बहुत अच्छा है, लेकिन इसका हीट सिंक बहुत कमज़ोर है। ये इसका जो मतलब ये ज़्यादा दिनों तक ये नहीं चल सकता एम्पलीफायर। इसका जो प्रॉब्लम फ्रेंड्स, ये एक घंटा भी अगर आप चला दो तो इसका आईसी उड़ जाएगा। जी हाँ फ्रेंड्स, एक घंटा तक इसे चला देंगे तो आपका इसका आईसी उड़ जाएगा। इसका ये पूरा बॉक्स ही पूरा गर्म होने लगता है फ्रेंड्स। और जबकि इसकी बात करते हैं, लेकिन फ्रेंड्स एक घंटा से थोड़ा सा और चल जाएगा, लेकिन ये ज़्यादा देर तक नहीं चल सकता दोस्तों। इसके लिए आपको छोटा स्पीकर चलाने होंगे, मतलब 8 इंच के, आपको 100 वाट से नीचे के स्पीकर चलाने होंगे फ्रेंड्स। क्योंकि इसका देखिए 2 चैनल है, आपको दिख रहा होगा कैपेसिटर स्पीकर लगाने के लिए 4 पिन दिए गए, तो अलग अलग जो दोनों गए हैं वो अलग अलग चैनल के फ्रेंड्स। और ये देखिए बोर्ड, आप लोग इस पर अलग अलग पे 50-50 वाट के 8-8 इंच के या 12-12 इंच के स्पीकर लगा सकते हो, लेकिन 50 वाट तक के नीचे रहे या 50 वाट ही रहे तो भी ये फ्रेंड्स गर्माने लगता है। बल्कि आपको 30-30 वाट का स्पीकर इसमें यूज़ करना पड़ेगा। ये मैं हीट सिंक इसका देख रहा था फ्रेंड्स कि हीट सिंक लगेगा या नहीं, तो फ्रेंड्स नहीं लग पाया। और इसका हीट सिंक देखो, लाइफ प्रूफ फ्रेंड्स, आपके सामने इसका हीट सिंक देखिए, इतना पतला हीट सिंक फ्रेंड्स। ये तो 62-83 में भी इतना पतला दे देते हैं लोग, 62-83 में ये बहुत ज़्यादा पतला है, इसीलिए ये बार बार आईसी इसका जो है जल जाता है 4440 का। ये पारस कंपनी का एम्पलीफायर है, जो कि आप लोग देख सकते हो डायमंड बना और ट्रांसफार्मर है, वहाँ पर लिखा गया पारस कंपनी पारस। तो दोस्तों देखिए, इसका हीट सिंक देखिए कितना पतला लगा हुआ है, और इसका बोर्ड बहुत छोटा है फ्रेंड्स। चलिए बोर्ड की बात अलग है, लेकिन हीट सिंक तो कम से कम अच्छा लगाना चाहिए। अगर हीट सिंक ही नहीं अच्छा लगाएंगे तो बार बार ऐसे जल जाएगा, यही प्रॉब्लम है फ्रेंड्स। देखिए इतना पतला हीट सिंक है, और यहाँ पर जो मेन बात आता है, बोर्ड तो छोटा है ही, एम्पलीफायर बहुत अच्छा चलता है। सबसे देखिए पारस कंपनी के एम्पलीफायर, पारस USB MMC R। तो दोस्तों देखिए, ये पारस कंपनी का एम्पलीफायर मत लेना, एक बार यकीन करना, ये एम्पलीफायर का पूरा देख लेना फ्रेंड्स। ये एम्पलीफायर मैं पूरा आपको दिखाऊंगा। इसमें ये खासियत है फ्रेंड्स कि अगर स्पीकर के वायर अगर शॉर्ट हो जाए, थोड़ा सा भी शॉर्ट हो गया, तो इसका आईसी तुरंत जल जाएगा इसका आईसी फ्रेंड्स। यही बहुत बड़ा प्रॉब्लम है इसका, इसीलिए इसका एम्पलीफायर जो है बहुत अच्छा नहीं होता है। लेकिन स्पीकर के वायर शॉर्ट होते हैं वो बात अलग होती है दोस्तों, लेकिन इसका हीटसिंग क्वालिटी बहुत ख़राब है। और ये पारस का एम्पलीफायर कभी मत लेना फ्रेंड्स। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा, तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।